हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एम्बू टूल वर्ज़न 1.0, जो कि मैंने डाउनलोड किया है firmwaregear.com वेबसाइट से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसकी मदद से आप ये टूल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि वेबसाइट हमारे सामने खुला हुआ है, तो वेबसाइट के नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन दिया गया होगा, उसकी मदद से आप ये टूल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल को मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसे दोबारा अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। तो जिप फाइल पे मुझे राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर, और टूल हमारे कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट हो गया है और मैं इसे फटाफट ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर कुल 3 फाइल्स हैं, तो हमें ओपन करना है setup.exe को। तो डबल क्लिक कर ओपन कर लेता हूँ मैं। ये बेसिकली एक सेटअप है, तो आपको कम्प्लीटली इंस्टॉल करना होगा इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। तो ओके पे क्लिक करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक डेस्कटॉप आइकन में बना लेता हूँ, नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है और ये लगभग 20 से 30 सेकंड तक में कंप्लीट हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे जैसे फिनिश करूँगा तो यहाँ पे ये टूल अपने आप लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टिक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक कनेक्टिंग है। इस टूल को इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, तभी ये टूल प्रॉपरली रन कर पाएगा। यहाँ पर आपको ये नेट फ्रेमवर्क का एरर आ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस कंटिन्यू पे प्रेस करना है, तो आपके सामने ये टूल ऐसे खुल के आ जाएगा। तो काफ़ी छोटा सा टूल है और कम फीचर्स हैं, और बेसिकली ये क्वालकॉम के लिए बनाया गया है। और फटाफट चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये टूल बेसिकली करता क्या है। तो जो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि ये पोर्ट है, पोर्ट के अंदर आप अपने क्वालकॉम का डिवाइस अगर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है तो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और या कनेक्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर आईडी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से EMMC या UFS चूज़ कर सकते हैं या ऑटो पे रख सकते हैं। और डिवाइसेस के अंदर आप देख सकते हैं नो डिवाइसेस, क्योंकि मैंने कोई भी क्वालकॉम का डिवाइस अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे नो डिवाइसेस लिख के आ गया। अगर मैंने कनेक्ट कर दिया होता तो यहाँ पे जो डिवाइस का नाम है वो यहाँ पे मेंशन हो जाता। तो जो नीचे का ऑप्शन है फ़ोन का, तो फ़ोन के अंदर ड्रॉप बॉक्स है, अगर आपने फ़ोन कनेक्ट कर दिया होता तो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स के अंदर ऑप्शन आ जाते हैं। तो आगे जो टैब है वो क्वालकॉम का है और अगला है सपोर्ट का। तो क्वालकॉम के अंदर देख सकते हैं कि EDL मोड में, जो कि 9008 मोड जिसको बोला जाता है, बूट लोडर है। इसकी मदद से आप अपने फ़ोन में बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। FRP है, इसकी मदद से आप अपने क्वालकॉम के डिवाइस में से जो फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन है उसको हटा सकते हैं। माई क्लाउड, इसकी मदद से आप अपने Xiaomi का जो लॉक लग गया होता है अकाउंट का, उसको आप हटा सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट, इसकी मदद से आप अपने डिवाइस में एक तरह से डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। एक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि बैकअप है, रीस्टोर है और इरेज है। इसकी मदद से आप अपने क्वालकॉम का डिवाइस को बैकअप ले सकते हैं, कंप्लीट बैकअप, या उस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं, या अगर आपके डिवाइस में किसी तरह का बैकअप है उसको आप रिमूव कर सकते हैं ये या इरेज कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि क्या आप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इरेज करना है, इरेज बूट। तो जैसे ही मैंने बूट सिलेक्ट किया उसके बाद मुझे इरेज पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन में से जो बूट है उसको हटा देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूट सिस्टम रिकवरी परसिस्ट कॉन्फ़िग और कैच यूज़र डेटा, इतने सारे ऑप्शन से आपको इरेज करने में या बैकअप करने में या रिस्टोर करने में। तो जो आगे चलते हैं, आगे जो फीचर है वो सैमसंग FRP एंड्रॉयड 4.0 टू 5.0। इसकी मदद से आप अपने सैमसंग का जो डिवाइस है, अगर एंड्रॉयड 4 से लेकर एंड्रॉयड 5 के बीच में है, तो आप अपने डिवाइस में से FRP प्रोटेक्शन आप आराम से हटा सकते हैं। ये बेसिकली एक्सोनोस और क्वालकॉम चिपसेट को सपोर्ट करता है। आगे का जो फीचर है ADB का है, इसकी मदद से आप कोई भी कमांड अपने फ़ोन में ADB मेथड या फास्ट बूट मेथड से दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लॉग बॉक्स है, कुछ भी आप कमांड देते हैं तो उसका जो लॉग है यहाँ पे, या एरर वगैरह आपके फ़ोन में कुछ भी आता है तो यहाँ पे सब कुछ लॉग में आप देख सकते हैं। सपोर्ट के अंदर यहाँ पे फर्मवेयर का एक बटन है और एक वीडियो ट्यूटोरियल का। जैसे आप फर्मवेयर पर क्लिक करते हैं तो कौन सा ब्रांड आपको चाहिए उसकी मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल में ये बटन फ़िलहाल में काम नहीं कर रहा। तो काफ़ी छोटा सा टूल है और
क्वालकॉम यूजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इस टूल को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक खोल के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।